आज के इस वीडियो में हम लोग पेनजू पे आर्टिकल सबमिट करना सीखेंगे कि पेनजू पे किस तरीके से आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पेनजू की साइट को खोल लेंगे, penju.com ओपन कर लेंगे, जहाँ पे हमें आर्टिकल सबमिट करना है। पेनजू एक आर्टिकल सबमिट की साइट है, तो वहाँ से हमारे वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक मिलता है जो कि काफ़ी बेनिफिट होता है रैंकिंग के लिए। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो इस penju.com पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, साइन अप करना होगा। अगर आप पहले यूज़ कर चुके हैं तो साइन इन कर सकते हैं। ये देखिए पेनजू की साइट है, ये यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दो ऑप्शन मिलेंगे, एक लॉगिन का मिलेगा, एक साइन अप का मिलेगा, स्टार्ट अ फ्री जर्नल नाउ। तो आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगर नए हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी अपनी डिटेल को फिल कर दीजिए। डिटेल्स को फिल करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो पेनजू पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप इस पर आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। इसके थ्रू ट्रैफिक भी आता है, इसका DAPA भी अच्छा है इस वेबसाइट का, तो इसलिए ज़्यादातर लोग पेनजू को प्रेफर करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डालेंगे, तो आप यहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा ऊपर लिख के भी आ रहा है अक्षय जनरल। तो अभी आप यहाँ से अपना नाम चेंज कर सकते हैं, अगर आप पेज का नाम चेंज करना चाहते हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी का नाम डाल सकते हैं। तो जैसे कि मेरा चैनल है डिजिटल एजुकेट, तो मैं यहाँ पर अपनी चैनल का नाम डाल देता हूँ डिजिटल एजुकेट। उसके बाद अभी नीचे काफ़ी सारे कलर के ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड कलर जो भी रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप फॉन्ट अगर जो लिखेंगे आप इसमें पेनजू में आर्टिकल वो किस फॉन्ट में रखना चाहते हैं यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रो के फ़ीचर भी हैं इसमें, उसके लिए आपको परचेज़ करना होगा। ये देखिए प्रो के फ़ीचर हैं। नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए आपको जो है ये मोबाइल पेनजू ऐप का है, तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, तो इसके लिए नेक्स्ट कर देते हैं आगे। चलिए अभी हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये जो है वेलकम एंट्री है ये, तो यहाँ पे व्यू ऑल एंट्री में आप सारी एंट्री देख सकते हैं। व्यू स्टार्टेड एंट्रीज़ में आप जो स्टार्ट मतलब जिनको फेवरेट में रखेंगे वो देख सकते हैं। ये देखिए हमारी सारी एंट्रीज आ चुकी हैं यहाँ पे, जितनी भी करेंगे हम वीवो एंट्री में। तो चलिए होम पेज पे चल के न्यू एंट्री करते हैं। ये सेटिंग देख लेते हैं इसकी पहले हम, कि इसकी सेटिंग में क्या क्या फीचर है। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, पेज थीम है और ये पैड थीम है। ये सभी चीज़ें जो नॉर्मली हमें स्टार्टिंग में मिली थी वही चीज़ें यहाँ से। डिलीट जर्नल कर सकते हैं, अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए बाकी हम न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं और नया आर्टिकल सबमिट करते हैं। यह देखिए आर्टिकल के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती है, टाइटल, बॉडी कंटेंट, कीवर्ड और URL। तो ये हमारे पास ये आर्टिकल है हमारा, जिसमें कि ये रहा टाइटल हमारा। ये टाइटल में कीवर्ड मस्ट है, कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड रहा हमारा ये जो है URL है, जिसको भी हाइपर लिंक करना है हमारी वेबसाइट का पेज का। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए वेबसाइट का, तभी ट्रैफिक आता है। तो अभी यहाँ से टाइटल कॉपी करेंगे और पेनजू में जाके पेस्ट करेंगे। अभी यहाँ से बॉडी कंटेंट उठाएंगे हम लोग, जो कंटेंट लिखा हुआ है इस कंटेंट को पेनजू में जाके पेस्ट करेंगे। अभी देखिए प्रॉपर बोल्ड आ रहा है अभी ये, तो अभी इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो अभी इसको बोल्ड करके हटा रहे हैं तो ये हट नहीं रहा है। तो अभी क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, उसके बाद 3 डॉट के सिंबल पे क्लिक करके रिमूव फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये नॉर्मल फॉन्ट में हो जाएगा पूरा। ये देखिए पूरा नॉर्मल फॉन्ट हो चुका है अभी। अभी इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे हम लोग, इसको जस्टिफाई करेंगे एक लाइन में आने के लिए। ये जस्टिफाई का ऑप्शन है, यहाँ से जस्टिफाई कर दिया है, तो ये देखिए सभी अच्छी तरीके से लगने लगा है।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो हेडलाइन होती है आर्टिकल में, उसको हम लोग बोल्ड करके थोड़ा लार्ज साइज में रखते हैं, जिससे कि वो पढ़ने में अच्छी लगे, आर्टिकल देखने में भी अच्छा लगे। पेंजू का DAPA काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए पेंजू का आर्टिकल सबमिट करते हैं। यहाँ से ट्रैफिक भी आता है और हमारी वेबसाइट के लिए अथॉरिटी भी पास होती है, तो जल्दी से हम लोग ये कर लेते हैं अभी। ये देखिए यहाँ पे हमने सभी जितने भी हेडलाइन थी, इन सभी हेडलाइन को हम लोगों ने बोल्ड कर लिया है अभी। तो अभी चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसमें कीवर्ड कैसे हाइपरलिंक करना है हमको, अपना जो कीवर्ड इसमें मेंशन है। देखिए अभी अच्छा लग रहा है देखने में। अभी यहाँ से हम लोग आर्टिकल से अपना URL उठाएंगे, जिस URL से हमें हाइपरलिंक करना है अपने कीवर्ड को। URL कॉपी करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे जो कीवर्ड, देखिए ये कीवर्ड है ट्रॉली व्हील मैन्युफैक्चरर, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक URL डालेंगे। उसके बाद ऊपर डिस्प्ले टेक्स्ट में शो हो रहा है, तो यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए हाइपर लिंक हो चुका है, इसको बोल्ड कर देंगे, जिससे जो बोर्ड्स आएँ तो उनको ये समझ में आ जाए ये कीवर्ड। अभी देखिए दूसरा कीवर्ड भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ट्रॉली व्हील मैन्युफैक्चरर, इसको भी हम लोग हाइपर लिंक कर देंगे इसी तरीके से। ये देखिए दोनों हाइपर लिंक हो चुके हैं और बोल्ड कर दिए हैं। उसके बाद अभी हम लोगों को अगर इमेज ऐड करनी हो अपने इस आर्टिकल में, तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा स्पेस लेंगे ऊपर से, और यहाँ पे देखिए ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ए के बगल में ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट इमेज, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप में से। देखिए ये अभी इमेज सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, तो इंसर्ट फोटो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद तो इमेज में भी हम अपना कीवर्ड डालते हैं और वेबसाइट का लिंक डालते हैं, जिससे कोई अगर इमेज पे क्लिक करे तो ये देखिए यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो अल्टरनेट टेक्स्ट में हम लोग अपना कीवर्ड डालते हैं, जो कि कीवर्ड होता है हमारा, और ये बॉर्डर ये ज़्यादा चेंज चीज नहीं कर सकते हम लोग, ये तो URL में URL डालते हैं। और ये अगर आप न्यू विंडो में ओपन कराना चाहते हैं, सेम विंडो में कराना चाहते हैं, तो मैं तो फिर करूँगा कि आप सेम विंडो में ओपन कराएं। उसके बाद इमेज इन्फो में आके अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम लोग अपना कीवर्ड कॉपी करेंगे यहाँ से और कीवर्ड डाल देंगे। इससे गूगल के बोर्ड्स को पता लगेगा कि जो हमारी इमेज है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके करेंगे। ये देखिए हमारा आर्टिकल तैयार हो चुका है सबमिट होने के लिए। यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन आ रहा है, मगर ये प्रो फीचर आता है, प्रो फीचर में ही होते हैं ये टैक्स, तो अगर आप पेंजू का प्रो लेते हैं तो आप टैक्स डाल सकते हैं। ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर पे क्लिक करेंगे यहाँ से। शेयर के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आए, शेयर वाया प्राइवेट ईमेल, शेयर वाया पब्लिक लिंक, तो पब्लिक लिंक पे क्लिक करेंगे और जनरेट पब्लिक लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट पब्लिक लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक लिंक मिलता है हमको, इस लिंक को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये पब्लिक लिंक है, या आप किसी को भी देंगे ये लिंक, तो ये आपका ही आर्टिकल ये ओपन हो गई है विदाउट एनी पासवर्ड। देखिए अभी ओपन करके भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपका आर्टिकल ओपन हो रहा है अभी। ये देखिए आपने जो आर्टिकल सबमिट किया था ये ओपन हो चुका है, और ये कीवर्ड इमेज भी हाइपर लिंक है। ये देखिए इमेज से लिंक ओपन हो रहा है आपके वेबसाइट का, जैसे हम लोगों ने किया था। ये देखिए उसके बाद नीचे की तरफ जो ये देखिए टेक्स्ट को हाइपर लिंक किया था, इससे भी ओपन हो रहा है। तो आगे के वीडियोस में हम लोग और भी आर्टिकल सबमिट की साइट है तो उनके बारे में बात करेंगे, तो देखते रहिए हमारा चैनल। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।